आगे है आनंदी और चंदन, मम अंक की मात्रा मन दी र मंदिर, मम ए की मात्रा में मंदिर, मम ए की मात्रा में ग ए गए, आनंदी और चंदन मंदिर में गए। जो आनंदी और चंदन अपने माता पिता के साथ नंदनवन देखने आए थे ना, तो जो जंगल में पुराना मंदिर था वो दोनों भाई बहन उस मंदिर में गए। मंदिर ममे की मात्रा में आरती, आरती हमे ओ की मात्रा हो रही, रही थी मंदिर में आरती हो रही थी। पमे अंक की मात्रा पन, डमे छोटी की मात्रा डी, त पंडित जी, शमे अंक की मात्रा शंख, शंख ब जा बजा, र हमे की मात्रा है रहे, थमे की मात्रा थे, पंडित जी शंख बजा रहे थे। मंदिर में जो आरती हो रही थी ना, तो उस आरती में पंडित जी शंख बजा रहे थे। जब हमारे यहाँ पे भी किसी मंदिर में आरती होती है तो शंख बजाते ना, तो वहाँ पर भी पंडित जी शंख बजा रहे थे। फिर चमे अंक की मात्रा चंद, न चंदन, नमे की मात्रा ने चंदन ने, घमे अंक की मात्रा घंटा, घंटा ब जा या बजाया। फिर वहाँ पे मंदिर में चंदन ने घंटा बजाया। मम अंक की मात्रा मन दी र मंदिर, कमे की मात्रा के मंदिर के ऊपर, ऊपर, झमे अंक की मात्रा झंड, डमे की मात्रा दे झंडे, लहरा, लहरा, र हमे की मात्रा है रहे, थमे की मात्रा थे, मंदिर में झंडे लहरा रहे थे। पमे अंक की मात्रा पन, डमे छोटी की मात्रा डी, त पंडित जी, नमे की मात्रा ने पंडित जी ने, चमे अंक की मात्रा चंदन, चंदन, और पंडित जी ने चंदन, और आ नमे अंक की मात्रा नन दी आनंदी, कमे ओ की मात्रा को आनंदी को, चंदन का, टमे बड़ी की मात्रा टी का, टीका लगाया। ये दोनों भाई बहन मंदिर में गए थे ना, तो मंदिर में पंडित जी ने आनंदी और चंदन को चंदन का टीका लगाया। हम मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर भी चंदन रखा हुआ रहता है ना, फिर चंदन का टीका लगाते हैं, तो आनंदी और चंदन को वहाँ पर भी चंदन का टीका लगाया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक एक कमे की मात्रा के ला, केला, एक एक केला, और समय अंक की मात्रा संतरा, संतरा दिया, संतरा दिया। मंदिर में पंडित जी ने आनंदी और चंदन को टीका लगाया, और फिर उसके बाद एक एक केला और एक एक संतरा दोनों भाई बहन को दिया। वमे की मात्रा वे, ममे अंक की मात्रा मन दी र मंदिर, समय की मात्रा से मंदिर से बाहर, बाहर आए। केला और संतरा लेके दोनों भाई बहन मंदिर से बाहर आए। हम भी प्रसाद लेके मंदिर से बाहर निकलते ना, ऐसे वो दोनों भी प्रसाद में केला और संतरा लेकर बाहर निकले। फिर एक बंदर ने, एक बंदर ने चंदन, चंदन के हाथ, हाथ, समय की मात्रा से हाथ से, कमे की मात्रा के ला, केला, छ में बड़ी की मात्रा छी न छीन लिया। जब हमारे हाथ में कुछ भी सब्जी या फल देखते हैं तो बंदर कैसे हमारे ऊपर झपटते हैं,
तो ऐसे ही आनंदी और चंदन जो मंदिर में से केला और संतरा लेके निकल रहे थे, तो एक बंदर ने चंदन के हाथ से केला छीन लिया। क्या छीना? जो केले की प्रसाद वो लेके निकल रहा था ना, वो छीन लिया। उसके बाद चंदन चंदन डर गया, चंदन डर गया। आनंदी रमे ओ की मात्रा रो, नमे की मात्रा ने रोने लगी। जैसे ही चंदन के हाथ से बंदर ने केला छीना ना, तो चंदन भी डर गया और आनंदी भी रोने लगी। उसके बाद पम अंक की मात्रा पंडित जी, बमे ओ की मात्रा बोले पंडित जी बोले। ड रमे ओ की मात्रा रो, डरो नहीं। हम डरते हैं तो हमको भी हमारे बड़े बोलते हैं ना कि डरो नहीं, कुछ नहीं करेगा। ऐसे पंडित जी ने उन दोनों भाई बहनों को भी बोला कि डरो नहीं, है ना। चलो अब पीछे पेज पे आ जाओ, थोड़ा सा और बचा है, पीछे पढ़ते हैं अपन, है ना। हाँ, क्या बोला पंडित जी ने? बोला कि डरो नहीं। फ लमे ओ की मात्रा लो, फलों। कमे ओ की मात्रा को, फलों को। थमे आय की मात्रा थाए, लमे की मात्रा ले, थैले। ममे की मात्रा में, थैले में डाल लो। क्या बोला पंडित जी ने? कि डरो नहीं, ये तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। ये जो तुम्हारे हाथ में फल है ना, इन फलों को थैले में डाल लो। यमे की मात्रा ये, कुछ नहीं। क रमे की मात्रा रे, गमे की मात्रा गे, करेंगे। ये कुछ नहीं करेंगे। पंडित जी नमे की मात्रा ने, पंडित जी ने। डमे अंक की मात्रा डमे की मात्रा डे, डंडे। समय की मात्रा से, पंडित जी ने डंडे से। बमे अंक की मात्रा बंद, रमे ओ की मात्रा रो, बंदरों। कमे ओ की मात्रा को, बंदरों को। ड रमे की मात्रा रा, डरा दिया। पंडित जी ने क्या किया फिर? डंडे से बंदरों को डरा दिया। बंदरों को डराया ना तो वो भाग गए। डंडा देखकर बंदर डरते हैं ना, तो पंडित जी ने डंडे से बंदरों को डरा दिया। फिर बंदर जंगल की ओर चले गए। पंडित जी ने जो बंदरों को डंडे से डराया, तो बंदर डंडे से डर के मारे जंगल की ओर चले गए, मतलब वहाँ से भाग गए। ये देखो चित्र में दिखा रहे हैं, पंडित जी डंडे से बंदरों को डरा रहे हैं और वो भाग के जा रहे हैं, है ना। चलो आज ही हमारा पाठ पूरा हो गया। आप पढ़ के देखना, जो नहीं समझ में आएगा मैं कल फिर आपको बताऊंगी, ठीक है। थैंक यू।